दोस्तों नमस्कार, आज हम आपके लिए वृक्षासन ट्री पोज आसन लेकर आए हैं। वृक्ष यानी एक पेड़। इस आसन में आपकी मुद्रा एक पेड़ के समान होगी। जिस तरह पेड़ के तने में दृढ़ता होती है, ठीक इस तरह की दृढ़ता आपके पैरों में उपस्थित होगी। इसे करने के लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होकर पहले दाहिने पांव को जांघों पर इस तरह लगाइए, हाथों को ऊपर ले जाइए सांस लेते हुए। अब सांसों की गति सामान्य रखते हुए इस मुद्रा पर स्थित रहिए। शुरुआत में आंखें खोलकर आप यह अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करके इस अभ्यास को करने की कोशिश करिए, तभी आपको विशेष लाभ मिल पाएगा। जब आप आंख बंद करेंगे तो शरीर में कंपन होगा, शरीर थोड़ा हिलेगा। खुली आंखों से इसे करना थोड़ा आसान होगा, लेकिन हमारी सलाह यह है कि आप इसे बंद आंखों से करने की कोशिश करें। 30-40 सेकंड एक पैर से कर लेने के बाद ठीक यही दूसरे पैरों के साथ करें। इस स्थिति पर दृढ़ होकर खड़े रहिए, आंखें बंद रखिए। शरीर हिलेगा, डोलने की कोशिश करेगा। शुरुआत में खुली ही आंखों से करिए, फिर धीरे धीरे कुछ सेकंड्स के लिए आंख बंद करिए और इस विधि को का समय बढ़ाते जाइए। शुरुआत में 30 से 40 सेकंड रखिए, बढ़ाकर इसे दोनों पैरों से दो दो तीन तीन मिनट तक ले जा सकते हैं। तो यह था दोस्तों वृक्षासन। वृक्षासन यह एकाग्रता और पैरों के लिए उत्कृष्ट आसन है। यह आपके मन की चंचलता दूर करता है। छोटे बच्चों के लिए यह उत्कृष्ट आसन है। उनके विकास के लिए यह सबसे अच्छा आसन है। यह आपके संपूर्ण शरीर में संतुलन लाता है, दृढ़ता लाता है, शरीर के सभी नसों में रक्त संचार अच्छी तरह लाता है। इस आसन से आपके शरीर और ब्रेन का बैलेंस बहुत अच्छे ढंग से बनता है। आधुनिक रिसर्च में वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आपने बंद आंखों में इस आसन को कर लिया तो आपके मस्तिष्क की स्थिति छोटे बच्चों की तरह हो सकती है। आपकी याददाश्त छोटे बच्चों की तरह हो सकती है। यह आपके ब्रेन को सुपर ब्रेन में बदल सकता है। यह आसन आपके तनाव को दूर करता है, पैरों में लचीलापन आता है और पेट की चर्बी कम होती है। सावधानियां बस इसमें इतनी बरतनी है कि आर्थराइटिस वाले या कोई घुटने के रोगी जिन्हें घुटने की कोई प्रॉब्लम हो वह इस आसन को ना करें। तो यह था दोस्तों वृक्षासन।